अगर आप अलमाटी आ रहे हो तो भैया कितना महंगा है, कैसी ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे सिम मिलती है, करेंसी देखने वैल्यू कम लगती है भाई। और उसको ऐसे उठा के मशीन पे रखा और ले गया सारा जो पार्ट था रशिया का। रहने के हिसाब से मेरे हिसाब से तो यार बहुत ही खूबसूरत है, एक एक लड़की ऐसी लगती है मॉडल। तो इंडिया वालों को यहाँ का 14 दिन का वीजा बिल्कुल फ्री है। टूरिज्म वेरी गुड यार। इंडिया गेट के जितना ही साइज का बड़ा होगा भाई ये। रशियन ब्यूटीफुल। ये पी के जो पकड़ लेते हैं लोग ये पैसे ही मांगते हैं। ये देखो क्या ही खूबसूरत फ्लायर है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलमाटी कजाकिस्तान। यस, ऑलरेडी मुझे 3 दिन हो गए हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप अलमाटी आ रहे हो तो भैया क्या लगता है अलमाटी कितना महंगा है, कैसी ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे सिम मिलती है, क्या क्या चीज़ें कैसे होती है। वैसे तो मैंने पूरे व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा करके बताया, पर आज मैं एग्जैक्टली पूरी सारी डिटेल आपको इसी व्लॉग में देने वाला हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ मैंने स्टे कर रखा है ये सेंट्रल पार्क अलमाटी का एयरपोर्ट, यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर है। तो हाल फिलहाल मेरा ये हॉस्टल था, तो सिंगल के लिए भैया हॉस्टल बेस्ट रहता है। ये अपना बेड था। सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लोगों को यहाँ पे वो नहीं मिलने वाला, मुंह पे नहीं टुई पे लगा ले वाला जेट, यानी जेट सिस्टम नहीं है यार। ये बड़ी दिक्कत होने वाली है, एक बोतल रखनी पड़ेगी। वैसे मैंने यहाँ देखा बोतल थी ऑलरेडी, काम हो गया। ठंड, एक तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। ये जगह ही बहुत खूबसूरत है, बताऊँ तो अलमाटी पूरा एक प्लेन एरिया है, आसपास सारे पहाड़ है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए कौन सी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, कैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले पा रहा हूँ, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। रहना खाना घूमना आप लोगों का यहाँ पे, और यहाँ के कुछ चीज़ें भी साथ में घुमा दूंगा, लगे हाथ। चले बने रहिएगा। तो ये खाते हैं फटाफट, और फिर एक चम्मच लिया हमने, इसको धोएंगे उसका निकलेंगे यार। साफ सफाई बहुत ज्यादा रखते हैं भाई। भाई अगर आप आ रहे हो ना, प्लग यूनिवर्सल लेके आना, ये वाले प्लग में ना अपना इंडियन वाला प्लग घुसेगा नहीं, ध्यान रखना। तो भैया ये है अपनी प्रॉपर्टी, हमारे इंडिया का 1 रुपया यहाँ के 5.5 रुपए होते हैं। करेंसी में जाना, करेंसी देखने वैल्यू कम लगती है भाई। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3000 टेंगे एक बेड के। बाहर इनका लॉबी एरिया है, 3-4 टॉयलेट बने हुए हैं, प्राइवेट घर बने हुए हैं, बहुत ही वैसे खूबसूरत है, वेल मेंटेन है चीजें। देखो आप निकलोगे ना रात को जब आओगे तो यहाँ ऐसे लॉक होता है, बड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और ये देखो एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ, लोगों का बहुत पैसा है, वेल डेवलप जगह है यार, तरीके से साफ सफाई है, गंदगी कहीं नहीं है भाई। ये पत्ते वत्ते गिरे हैं पेड़ के, वही हैं। यहाँ पे देखो इतनी सारी ग्रीनरी आपको हर जगह मिल जाएगी, गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। पर एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर पार्किंग को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। मेरे सामने सामने ना रात को पोर्शे ऐसे खड़ी थी भाई, पोर्शे, उसको क्रेन आई, उसने चारों टायरों पर कुछ लगाया और उसको ऐसे उठा के मशीन पर रखा और ले गया। मेरे ख्याल से पार्किंग का जो एरिया होता है वहीं लगना होता है, उसके अलावा नहीं लगना होता। सबसे खूबसूरत जगह है जो मैं बता रहा था, आसपास जो व्यू नज़र आता है वो देखो, सामने बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पता नहीं शायद नज़र आ रहे नहीं आ रहे। यहाँ पे आपको इस तरह से पुराने पुराने टाइप के घर भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी है, इतनी पुरानी सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे देखो सड़क साथ में सर्विस लाइन, और इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी साफ़ सफाई यार मत पूछो यार। ये देखो ये कुछ होटल है पुराने टाइम का बना हुआ है, सोवियत सद का, सोवियत जो है इनकी यूनियन जो है पूरी रशिया की। यूक्रेन वाली जो कहानी हुई थी वो क्या थी, एक्चुअली में क्या है, ये सोवियत सारा जो पार्ट था रशिया का, जब ये सारे अलग हुए ना, इन सब ने एक एग्रीमेंट साइन करा कि जो भी कुछ करेंगे ना मिलकर करेंगे, हमारे यहाँ से कोई बाहर किसी और कंट्री से नहीं मिलेगा जाके। ये देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार, ये घर है, पुराने पुराने खिड़कियाँ पर वेल मेंटेन है चीज़ें यार। हाँ मैं बात कर रहा था, तो बाहर निकल कर कोई कुछ नहीं करेगा, पर इसने यूक्रेन ने इसका रूल तोड़ दिया और जाके यूरोप के साथ मिलके वो जो साइन करने लगा था उसको वार्न भी किया गया, वो नहीं सुना, तो ही जाके अपना रशिया वालों ने उस पर अटैक करा। और इसके लिए और जो कंट्रीज आसपास, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और जो जितनी चीज़ें मंगोलिया वगैरह जो अलग हुई हैं रशिया से, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह इवन रशिया के साथ है, क्योंकि ये रूल साइन हुआ था, इन पर आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि भैया हमसे बाहर कोई नहीं जाएगा। हेलो प्रिवियत, तो प्रिवियत कहते हैं रशिया में हेलो, और यहाँ की लैंग्वेज भी एक है, पर रशियन लोग ऑलमोस्ट सारे समझ जाते हैं। ये देखो यार पुराने पुराने टाइप के घर, इस तरह से ग्रीनरी, रहने के हिसाब से मेरे हिसाब से तो यार बहुत ही खूबसूरत है। 75% कम्युनिटी यहाँ पे मुस्लिम की है, पर उस तरह के मुस्लिम नहीं, आप उनको देख के कह नहीं सकते ये मुस्लिम है, सच बता रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त फैशन करते हैं ना भाई साहब, एक एक लड़की ऐसी लगती है मॉडल। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन वो लीगल है, और ऑफिशियली इसकी वेबसाइट्स हैं, मतलब आपको ये बैंकॉक की तरह जगह जगह नहीं दिखेगा, पर आप यहाँ पे लीगली कर सकते हो, होटल ले जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ सर्विस लाइन इसके ऊपर से क्रॉसिंग की जाती है। देखो अगर आपके पास लाइट नहीं है ना यहाँ पे, तो ये मेरे लिए रुकेंगे, ये गाड़ी रुकी मेरे लिए क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। हाँ अगर लाइट लगी होती तो मुझे ग्रीन लाइट का वेट करना था। 2GS करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना,
पूरा बस रूट, कहाँ पे KFC है, कहाँ पे मैकडोनल्ड है, कहाँ पे कौन सा कैफे है, कहाँ पे पेट्रोल, A to Z सब कुछ लाइव लोकेशन दिखाता है। वो बहुत बढ़िया ऐप है। सिम कार्ड आपको हर स्टोर पे मिल जाएगा, एयरपोर्ट से मत लेना। 6000 टेंगे ऑफर किया गया था, मैंने 1500 टेंगे में सिम कार्ड ले लिया था। 1000 टेंगे भी मिल जाएगा, 500-700 टेंगे भी मिल जाएगा। सिटी तक आना हो, सिटी तक बस आती है भैया, यहाँ मेट्रो भी चलती है, क्योंकि हाल फिलहाल मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं करा। जो लोकल बस है, जैसे अब मैं बस में जाने वाला हूँ, तो यहाँ लोकल बस की कोई भी रूट पे कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, 200 टैंके लगने वाले हैं, अराउंड 40-45 रुपये होते हैं। और अगर आप इनका एक कार्ड होता है वो बनवा लेते हो तो 100 टैंके लगेंगे। 500 टैंके का कार्ड बनता है, कहाँ से बनता है, क्या बनता है भैया, वो ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ रहना तो है नहीं। काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सारे लोग QR कोड वगैरह यूज़ करते हैं, स्कैन वगैरह यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा पुराना है, जैसे ट्रेन स्टेशन, ट्रेन टिकट वगैरह ना ऑनलाइन शायद होती होंगी बुक, शायद, मुझे नहीं मालूम। जितने लोगों को मैंने देखा है उन्होंने जाके पहले ट्रेन वहाँ जाके स्टेशन में बुक करी है, इसलिए मैं भी बुक कराया था, क्योंकि कल मैंने निकल के जाना है। यहाँ की कैपिटल अस्ताना, नूर सुल्तान, मुझे जगह बहुत ही खूबसूरत लगी। कमेंट करके बताना कि जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको किस तरह की जगह लगी। बस नंबर है 121। खाना पीना देखो, इंडियन रेस्टोरेंट डेफिनेटली महंगे मिलने वाले हैं। वैसे आप नॉनवेज खाते हो, इनके मॉल्स, मार्केट काफ़ी सारी जगह हैं, वहाँ से आप ला सकते हो, खाने को बना सकते हो। ऑलमोस्ट जिस जगह आप होटल प्रॉपर्टी में स्टे करोगे वहाँ पे आपको गैस कुकर वगैरह मिल जाता है, अगर आप कुछ बनवाना चाहो तो बना भी सकते हो भाई। मैकडी KFC का मील एक टाइम का 500 रुपये का है, तो खाना थोड़ा महंगा है, रहना भी कहूँगा थोड़ा महंगा है। 300 टेंगे के हिसाब से मैंने 550 रुपये एक नाइट एक बेड का दे रहा हूँ। अगर रूम की बात करूँ भाई, रूम भी महंगे ही हैं, मतलब 3-4 हज़ार से रूम स्टार्ट होता है, तो हमारे जैसे एक नॉर्मली 1000-1500 में रूम मिलता है वैसा रूम नहीं मिलेगा। और ये इस तरह का बस स्टैंड है भाई, खड़े होते ही आ गई 121 नंबर, तो हम टिकट ले लेते हैं। बहुत साफ़ सुथरी सड़क है, नीट एंड क्लीन। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स आपको इंडियन काफ़ी मिल जाएंगे, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी ना, काफ़ी लड़के हैं जो हेल्प कर देते हैं। इंडिया। और यहाँ जो ड्राइव करते हैं ना भाई, बड़ी खतरनाक करते हैं, सच बता रहा हूँ भाई। गाड़ियाँ देख लो यार, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ। सो गाइस, फाइनली बस ने उतार दिया और हम पहुँच गए यहाँ के प्रेजेंट पार्क। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़ देख लो, व्यू देख लो, नज़ारे देख लो यार, क्या ही मस्त जगह है हलमाटी। मुझे सच में बहुत पसंद आई यार, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मौसम यार ठंड हो चुकी है, बस में थोड़ा गर्मी थी यार, और अगले महीने तक तो यहाँ स्नोफॉल हो जाएगी। आप इसी को देख के समझ जाओ, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं। इस वक्त इंडिया वालों को यहाँ का 14 दिन का वीज़ा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, यानी एक रुपया सिंगल कोड़े नहीं लगने वाली। टिकट्स इतनी सस्ती हैं कि 10,000 रुपये में आना जाना कर लोगे, यानी गोवा से भी सस्ती मेरे भाई। तो भैया आप प्लान कर सकते हो अल्माटी का डेफिनेटली। कल हम गए थे वहाँ पे ऊपर की तरफ, माउंटेन के ऊपर बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था वो भी यार। फाइनली पहुँच गए हम यहाँ के क्या नाम था, मिनिस्टर पार्क या कुछ ऐसा नाम था, अभी मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, भूल गया यार। काफी बड़ा है और काफी प्यारा लग रहा है यार, व्यू बहुत प्यारा उस साइड, ऊपर गार्डन बना हुआ है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कपल्स वगैरह बहुत आते हैं, ये सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। वैसे तो आजकल अपने इंडिया में भी आ जाते हैं। देखो यहाँ सेब बना हुआ है, सेब इसलिए बनाया गया है, कहते हैं कि लोगों को खाना यहीं सिखाया गया है, और सेब की सबसे पहले जो उपज हुई थी वो अल्माटी के अंदर हुई थी, और अल्माटी का मतलब ही सेब है, सेब का जंगल। बहुत ही खूबसूरत है। हेलो, इंडिया गेट जितना हमारा बड़ा है ना, ये उतना बड़ा तो है ही है, ये आसपास जो बनाया है ना वो भी कुछ यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? प्रेजेंट पार्क। प्रेजेंट पार्क, ओके। हाउ ओल्ड दिस? When this made? We don't know. You don't know? Really. You are students? Yeah. Students? Yeah. Kazakh? Yeah. Okay, nice. I'm from India. Wow. Wow. It's a very beautiful. Yeah, vlogger. Yeah. Hi. YouTube. YouTube. Hi. Yeah, YouTube. Oh. Your name? Asme. Yeah. Are you? RI. Okay. You are medical student or job? No. Study online. Study? Yeah. Online? Yeah. Medical? Only. Only study. Okay, yeah. Nice. Not medical. Tourism? Yeah. Very good, yeah. बैचलर डिग्री, ओके नाइस। भाई लड़कियाँ देख रहे हो कितनी खूबसूरत है, और हंस के बात करती है, यू आर ब्यूटीफुल, यस, वेरी ब्यूटीफुल, पीपल्स आल्सो वेरी गुड, यस। नो, आई टॉक विद, माय नेम इज जतिन फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। बाकी फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, इंग्लिश बोलनी काफ़ी अच्छी बात है, वरना तो इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है। मोस्ट ऑफ पीपल्स नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड वेल। वी वाज इन द अमेरिका दिस समर। Wow, nice. America में भाई, America में रहते हैं। Studying in America? No, work just so. Okay. Now, after study, you come back in. Yeah. And what is the special thing in this place?
in Almaty? No, in this in this park and view. So nice to meet you. Thank you, thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. पक्का. तो भैया देखा लोग कितने ही प्यारे हैं यार और बहुत ही अच्छे हैं. अच्छा ये अमेरिका से थे तभी ये मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे थे, अदरवाइज सच बता रहा हूँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है. और बता रहा हूँ ये काफ़ी खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार. इंडिया गेट के जितना ही साइज़ का बड़ा होगा भाई ये, सच बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा है. और यहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई चार्ज नहीं है. ये देखो अंदर फाउंटेन वगैरह बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है यार. मैंने एक्चुअली पिक्चर्स में देखा था तो अच्छा लग रहा था, मैं कहा चलो विज़िट कराते यार. एक्चुअली सबसे अच्छी बात बता क्या यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग गंदगी बिल्कुल नहीं करते हैं, साफ़ सफाई रूल्स रेगुलेशन. अगर आपने देखा है सड़क के बीचों बीच हमारे यहाँ पटरी बनी होती है, यहाँ पटरी की जरूरत ही नहीं भाई. और लोग मतलब इतना रूल्स फॉलो करते हैं, हॉर्न तो बजाते ही नहीं है भाई, इतना सिस्टमेटली चलते हैं यार. लोगों को डर है, मे बी हमारे यहाँ के लोगों को डर ही नहीं है भाई. जिसके पास पैसा है भैया उसका बाप सब कुछ है, वो कहते नहीं तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है. हमारे इंडिया में यही कहानी है. बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा. पर आसपास से जो व्यू आ रहा है पहाड़ों का, शायद इसमें दिख ना रहा हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. यहाँ बैठ के आराम से बंदा चिल कर सकता है यार. ये छोटी गुड़िया एंजॉय कर रही है. पीवीएच ये देखो लोग चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों को लाते हैं, एंजॉय करते हैं. तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यार, मज़ा आ गया यार सच्ची में. वाइब्स अच्छी है, मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, खाना भी ठीक ठाक है भाई. और क्या ही चाहिए ट्रैवल के लिए, आपको नई जगह एक्सप्लोर करने मिल रही है, वीज़ा के चार्ज नहीं लग रहे, फ्लाइट टिकट सस्ती है. और भाई साहब क्या जान लोगे क्या घूमने के लिए, इतनी प्यारी जगह, इतनी शांत जगह ना. मतलब देखा है कश्मीर के अंदर जो अपना ऊपर मुगल गार्डन, ये गार्डन वो गार्डन है ना, पर सच बता तो उससे ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पे. कश्मीर की तरह लुक मार रहा है यार, सच बता रहा हूँ. पर कश्मीर इतना डेवलप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप है भाई. यहाँ ऊपर की तरफ आके ना यहाँ भी कुछ बना हुआ है. हेलो प्रीवियत, यू आर कजान गर्ल्स, यू आर फ्रॉम कजाकिस्तान? वेयर फ्रॉम यू? ताशकंद. उज़्बेकिस्तान. वेरी सून आई एम कमिंग. यस. So Tashkent also very. I'm from India. Oh, you no, first time visit in Almaty? This one. First time. Whenever you visit in India? Oh. I'm from. Okay. No, don't come in this your country. You want to visit India? Don't know. You like Indians? Yeah. You want whenever in future you visit in India? Maybe. Welcome to India. Okay. Nice to meet you. You can carry on. भाई उज़्बेकिस्तान की लड़की थी और उज़्बेकिस्तान भी हम जाएंगे. मैं आपको मैंने यहाँ रिवील कर दिया भाई, अपना ट्रैवल का प्लान है रशिया का और फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान यानी ताशकंद का. और ये ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का कुछ व्यू कुछ बना हुआ है. ये शायद यहाँ के प्रेजिडेंट होंगे, कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है अच्छा लग रहा है. फूल वूल ग्रीनरी बहुत ही प्यारा लग रहा है. तो भैया अल्माटी के मैंने आपको रहने के बारे में बता दिया है. रहना देखो एवरेज है जो होता है हमारे हिल स्टेशन पे जो टाइम पे होता है. खाना थोड़ा सा महंगा हो सकता है. और घूमने के लिए आपको बता दिया है लोकल बसेज, आप टैक्सी भी कर सकते हो. टैक्सी एक यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है आपका जेंडेक्स, वो टैक्सी वगैरह के लिए अगर आप तीन चार लोग हो तो आप टैक्सी भी कर सकते हो. घूमने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट है और जो आपको मैं ऐप बता रहा हूँ भाई, ये वाली ऐप है, ये देख रहे हो 2GS, तो ये डाउनलोड करें ना आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी यहाँ घूमने के लिए. दुनिया भर के क्लब है, दुनिया भर के डिस्कोज हैं और फुल ऑन मस्ती है भैया. ज़्यादा डिटेल के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ भी पूछना वहाँ पूछ सकते हो भाई. भाई साहब बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा. हेलो प्रीवियत, यू आर कजान? नो, रशियन. रशियन, ओके. ऐसे मैंने देखा छोटी छोटी एज में ना यहाँ पे लड़कियाँ जल्दी शादी कर लेती हैं, ये कुछ सिस्टम है यहाँ पे. भाई मैं देख रहा हूँ इन गाड़ियों के तो नंबर तक हैं यार. यहाँ से निकल के जा रहे हैं, पास में एक मेगा मार्ट पड़ता है. देखो गंदगी कूड़ा करकट कहीं आपको नजर आ रहा है, सिंगल एक पेपर तक नहीं होगा. इतना खूबसूरत बना रखा है ना, ये देखना सिटी के अंदर अंदर तैरना अलाउ नहीं है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है. ये देखो अभी अंदर अंदर से रास्ता जा रहा है उस साइड होते हुए यार. वाओ, हेलो, हाउ आर यू? गुड. यू? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जतिन. योर? ओके. व्हिच क्लास इज यू रीड? 3. बेस्ट ऑफ लक. बाय. भाई बहुत ही खूबसूरत है, क्रॉस करके दिखाता हूँ ये रास्ता निकल के जा रहा है भाई. देखो भैया लोगों को टूरिज्म में क्या चाहिए होता है, साफ सफाई, ब्यूटीफुल जगह, नेचर, वेदर. भाई साहब इससे खूबसूरत जगह, इससे बढ़िया चीज़ें मुझे नहीं लगता नज़र आने वाली है यार. क्या कहते हो? बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है यार. देख रहे हो अभी पानी का भाव और तेज हो जाएगा जो ऊपर बर्फ़ मेल्ट होगी. तो बीचों बीच से इन्होंने पानी निकलने के साथ साथ खूबसूरत बैठने की जगह, गार्डन वार्डन, सिटिंग एरिया
लोगों का चिल करने की जगह बना दी है भाई साहब। ये जितना है जो भी है ना खूबसूरत बहुत ज्यादा है भाई। अरे भाई साहब क्या ही नजारे भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो गाइस मैं आपको लगे आते यहाँ के नोट भी दिखाता हूँ। जैसे बताया टेंगे यहाँ के नोट है, ये यहाँ का 500 टेंगा है, एक रुपया यहाँ का 5.5 बन जाता है। और ये यहाँ का है 5,000 का, और 10,000 का नोट भी आता है भाई, ये 2,000 का नोट है। और करेंसी की वैल्यू पे मत जाना, यहाँ पे चीजें भाई साहब सिमिलर प्राइस है ऑलमोस्ट, और ज्यादा ही होगा। सुल्तान नाइस टू मीट यू ब्रो, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं अपना यूट्यूब चैनल इनको दे दूँ। तो भाई अंकल मिले हैं, ये सेट हैं सुबह सुबह पीर वीर पी रहे हैं। शेख अहमद, शेख अहमद। बदबू आ रही है अभी तक मुँह से, अभी तक यहाँ तक, पर इन्होंने पहचान लिया कि मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे ना ये पी के जो पकड़ लेते हैं लोग, ये पैसे ही मांगते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनसे छुटकारा करता हूँ कैसे ना कैसे। लोगों से एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ, दरवाजा खोल के मुझे नीचे लग रहा है। यहाँ के लोग भी बड़े फैमिलियर होते हैं, देखो बच्चों को लेके कैसे लेडीज आई हुई हैं खेलने के लिए। देखो यार किस तरह की एक्टिविटीज़ है, बच्चों को इस तरह से ट्रेंड कराया जाता है ना, बच्चों को छोड़ रखा है हमारे इंडिया में ना, छोड़ा जाए ऐसे पहाड़ पे, छोड़ा है, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं भैया, सब बढ़िया है। देखो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, यहाँ 3 दरवाजे दे रखे, एक दरवाजा वो, एक दरवाजा ये, एक दरवाजा वो, क्रॉस हवा ही ना अंदर घुस सके ठंड वाली। मेगा मार्ट करके है, काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ हो रही है स्केटिंग, यार क्या बात है, वाह भाई एक्सपर्ट है सारे, क्या बात है क्या बात है। हड्डी तोड़वानी है तो ट्राई कर सकते हो। ये देखो माँ बेटे लगे हुए हैं, लोकल जो इनकी ना ड्रेस कोड है, कैप्स वगैरह, हेलो। तो ये वही चीज़ें बिक रही हैं। हमें एक रिचार्ज का ढूंढना, क्योंकि मेरा नेट पैक ख़त्म हो चुका है। आईफोन एज़ कम्पेयर इंडिया के प्राइस से कंपेयर करा जाए तो सस्ते हैं यहाँ पर, इससे देख के समझ सकते हो काफ़ी डेवलप है यार। यहाँ लगता है लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, हर तरफ खाने के टेबल लगे हैं, ऊपर नीचे खाने ही खाने, खाने ही खाने। भाई मैं गाड़ियाँ देख रहा था, मैं कहा गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियाँ रखी हैं, गाड़ियों का रेट क्या है। तो अभी इन्होंने ये डिस्प्ले में लगा रखी है, गाड़ी बहुत ही मस्त है, इसका प्राइस देख रहा हूँ मैं, 2,67,00,000 की टॉप मॉडल जा रहा है, 3 करोड़ का, मतलब ये 50-60 लाख रुपये की गाड़ी है भाई, क्या ही ज़बरदस्त है यार, मतलब फॉर्चुनर तो इसका कुछ है ही नहीं भाई। मेरे ख्याल से ऑन नहीं होगी, बंद है, तो गाड़ी क्या ही मस्त है यार, 24-25 इंच का होगा। तो भैया इसका मतलब यहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं, मॉल काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी खूबसूरत है यार। एक और गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये कुछ आगे से लुक है, ये तो 1,90,00,000 तेंगे की है, सही है यार, ये कितने की हो गई अराउंड 30-32 लाख रुपए की है शायद। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक BMW iX है, 5,70,00,000 रुपये की, अराउंड 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी है। बुल देखना कितना ज़बरदस्त बना रखा है, पूरा मेटल का, प्यारा लग रहा है ना। मॉल के अंदर घूमते घूमते फाइनली 5G एक्टिव का शोरूम मिल गया है। भाई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वरना ये मशीन लगी है रिचार्ज करने की, रिचार्ज हो जाता है। क्या सोच के नीचे आया मुझे नहीं मालूम, और नीचे मुझे ये एक्टिव 5G का स्टोर नज़र आ गया, और वहाँ मेरा काम बन गया। अब चल रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं। मॉल तो भैया मॉल की तरह ही होता है, पर यह कि काफ़ी बड़ा है, बाहर एक फ्लायर भी है जो कि हम झूला नहीं लेने वाले। तो जस्ट मॉल से बाहर निकलते हैं यार, ये देखो क्या ही खूबसूरत फ्लायर है। तो भैया अगर आपने इसकी राइड लेना चाहते हो ले सकते हो, मेरे ख्याल से 3,000 टेंगे से कमी क्या होगा। देखो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अगली प्यारी सी वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।